स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूँ आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बीजेपी अब मछुआरों को भी दे सकती है 6,000 रुपए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। बारिश से भीगी किसानों की मंडी में रखी सरसों की उपज, जिला मुख्यालय की मंडी में खरीद प्रबंधन की खुली पोल। कमल पटेल ने व्यापम घोटाला पार्ट 2 पर दिया बयान, फसल खराब का सर्वे न होने पर कृषि मंत्री को सीधा करे शिकायत। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक खेल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान की मन की बात जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुँचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कृषि और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के मछुआरों को देश के किसानों की ही तरह हर साल 6,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने अनुसूचित जातियों से ली गई पंचमी भूमि को लौटाने का भी दावा किया है। इसी के साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जल जीवन परियोजना के जरिए हर घर के लिए पानी, जल स्तर बढ़ाने के लिए नदियों में रेत खनन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने, चेन्नई को उत्तर, मध्य और दक्षिण चेन्नई निगमों में विभाजित करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास चावल, चीनी और मकई का सरप्लस होता है। अभी हम गन्ने से इथेनॉल निकाल रहे हैं। हम पेट्रोल में 10% इथेनॉल डाल रहे हैं। अब हमने फैसला लिया है कि देश में मौजूद सभी ऑटोमोटिव ब्रांड फ्लेक्स इंजन का इस्तेमाल करेंगे। चावल, गन्ना व मक्का से ईंधन बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इससे कई राज्यों के किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार सुबह हुई बारिश ने किसानों की खून पसीने की कमाई को एकदम से पानी में बहा दिया है। दरअसल हरियाणा के भिवानी जिला मुख्यालय की मंडी में खुले आसमान के नीचे रखी किसानों की सरसों की फसल पूरी तरह से भीग गई। हालांकि इससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर खरीद से पहले हुई बारिश ने खरीद केंद्रों के नाकाफी प्रबंधों की पोल खोल दी है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों के साथ चना व जौ की सरकारी खरीद शुरू होनी है, लेकिन जिला मुख्यालय की मंडी में 2 शेड के नीचे पिछले साल खरीद की गई सरसों रखी है, जिसकी वजह से नई उपज रखने के लिए कोई शेड खाली नहीं है। ऐसे में जहां अच्छी कीमत पाने के लिए रोज किसान मंडी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों की फसल बारिश में भीग गई है उन्हें अब भाव तो दूर खरीदार मिलना भी मुश्किल है। पीड़ित किसानों का कहना है कि उनकी उपज भले ही 8 से 10 दिनों में सूख जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा। ऐसे में खरीदार मिलना भी काफी मुश्किल होगा। जाहिर है मंडी प्रशासन की कमियों का खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग में अधिकारियों की भर्ती को लेकर हुए घोटाले में अब राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपना बयान जारी किया है। दरअसल बीते सोमवार को कृषि विभाग भर्ती परीक्षा पर बोलते हुए राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अगर इस मामले में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सरकार की तरफ से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि छात्रों की तरफ से इस मामले को लेकर काफी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिस पर जाँच के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही मामले को लेकर जाँच पूरी होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाला पार्ट 2 को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों में काफी आक्रोश है। रिजल्ट आने के बाद से लगातार धरना दे रहे छात्र राज्य के मुख्यमंत्री से मामले में जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा एक और बयान जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में मौसम की बदलती करवटों को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में होने वाली चना, सरसों व मसूर की खरीद को 22 मार्च से आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं पर भी अगर बारिश या ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसल का सर्वे नहीं कराया जाता है तो किसान तुरंत स्थानीय कृषि राजस्व विभाग के अधिकारियों, तहसीलदारों, एडीएम एवं जनप्रतिनिधियों को खराब हुई फसल की सूचना दे, और अगर इसके बाद भी कोई सुविधा नहीं मिलती है तो किसान सीधा कमल सुविधा केंद्र के नंबर 0755255883 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों आज किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।